गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी सांप्रदायिक जहर घोलने और बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह जनता के बीच नहीं जाते, वे हमेशा ट्विटर पर ही मिलते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पता नहीं क्यों कांग्रेसी बंद कमरे में मुलाकातें करते हैं, वे सांप्रदायिकता फैलाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल और कमलनाथ के रिश्ते जग जाहिर हैं। कांग्रेस का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात पर आपत्ति उठाना ही हास्यास्पद है। दिग्विजय सिंह जनता के बीच नहीं, ट्विटर पर ही मिलते हैं। उन्होंने कहा, बालाघाट में 20 करोड़ रुपए के लेन देन के प्रमाण मिले हैं, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसके लिए उन्होंने पुलिस को बधाई दी। नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा, विनम्रता और उदारता हमारे मुख्यमंत्री के आभूषण हैं। शिवराज सिंह चौहान एक एक कर सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। आमजन की पीड़ा को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में निःशुल्क टीकाकरण करवा दिया है। अधिकतम लोगों के वैक्सीनेशन के लिए जरूरी है जन जागृति। उन्होंने कहा, मैंने भी निर्णय लिया है कि 21 तारीख के बाद मैं आगंतुकों से आग्रह करूंगा कि वे वैक्सीनेशन के बाद ही भेंट करने के लिए आए। प्रदेश में नए पॉजिटिव केस 147 आए, जिनमें 404 स्वस्थ हुए। 22 जिले में कोई प्रकरण नहीं है। प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रकरण मिलने को बहुत गंभीरता से लिया गया है। सघन जांच की जा रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो रही है। देखिए, विनम्रता उदारता शिवराज जी के भूषण हैं, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत व्यक्ति हैं, और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत व्यक्ति अगर मर्यादा में बैठे और कांग्रेस उंगली उठाए, वो कांग्रेस ट्वीट करे जिन्हें मालूम है कि राहुल जी की और कमलनाथ जी के क्या रिश्ते हैं, टीवी के माध्यम से राहुल जी को कहना पड़ता है कि बयान वापिस ले लो। देखो, ये सब मैंने पूरी अकेले उनका नाम मत लो, आप कांग्रेस की पूरी टेंडेंसी को देखो। आप, मैं रोज इस बात को बोलता हूं कि हमारी आस्था पर कुठाराघात कैसे करते हैं, ये कोई कांग्रेसियों से सीखे। बोले कोरोना कुंभ से फैल गया, राम मंदिर की शिलान्यास पे बोले तारीख गलत है, अब बोले चंदे पे सवाल उठा दो। ये सारे राहुल गांधी से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं। अब राजीव गांधी तो शर्मो हया का अर्थ जानते नहीं है, इसलिए उन्होंने जो पुलिस के बयान आने के बाद भी हिंदू मुस्लिम में कैसे कटुता पैदा हो, यही उनकी पूंजी है जो खोती जा रही है। अब वो उन्हीं के समाज के लोग थे, पर जोड़ दिया राहुल गांधी ने, ट्वीट भी कर दिया। कितनी तीव्रता दिखाते हैं इसमें वो, कि कैसे भी देश में सांप्रदायिक जहर फैला रहे, आरोप भाजपा पे लगाते रहे। नहीं, वैसे भी पता है, वो तो ट्विटर पे ही मिलेंगे, आप खोलोगे तो दिग्विजय सिंह मिलेंगे। जनता के बीच तो मिलते ही नहीं है, जनता के नेता तो बचे नहीं। खुले में भी करें, उन्हें क्या दिक्कत है, कहीं भी कर सकते हैं वो, पता नहीं क्यों बंद कमरे में करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों की लगातार अब समीक्षा करेंगे, एक एक करके सभी विभागों से धीरे धीरे करके वो मिलेंगे, एक एक विभाग की। उसमें एक महिलाओं की समीक्षा वाला विषय भी है, बहुत गंभीर किस्म का है वो, उसमें 20 करोड़ रुपए से लेकर के आसपास लेन देन के प्रमाण मिले हैं, 8 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। देवभूमि झारखंड और झारखंड आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे मध्य प्रदेश के भी डिंडोरी रतलाम के कई जिलों में इस तरह का फ्रॉड हुआ है। इसमें 500 से 700 लोगों के शामिल होने का संदेह है, और इसलिए बहुत बारीकी और गहन जांच इसमें की जा रही है। बालाघाट पुलिस को बधाई भी दी है, लेकिन जनता से भी आग्रह है कि ओटीपी के माध्यम से आपके नंबर वगैरह कहीं लीक ना हो, पूरे जागरूक रहें, और इस पूरे के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए अन्य राज्यों से भी हमारी पुलिस ने संपर्क साधना प्रारंभ कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में निःशुल्क वैक्सीन का आम जन की पीड़ा को समझ के जो निर्णय लिया है, उसमें सभी मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे। इस निमित्त मैंने भी सोचा है कि इस जन जागरण अभियान में 21 के बाद से जो भी भेंट करने लिए आएगा, मैं उससे आग्रह करूंगा कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट कराने के बाद आए, इससे और जन जागरण हो
और लोग प्रेरित हों, यही सोच है इसमें। अच्छी खबर है, आज कुल 147 नए प्रकरण आए और ठीक होकर जाने वालों की संख्या 404 है, 404 है। एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में अब 2984 बचे। भिंड में तो कोई भी एक्टिव केस बचा ही नहीं। संक्रमण की दर अब आधे से भी आधी हो गई है, 0.196 रह गई है। कल भी हमने 73,032 सैंपल मध्य प्रदेश में लिए। 22 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां कोई भी नया प्रकरण नहीं आया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।